जब इस शो में आया था तो इसी तमन्ना से आया था कि ये शो जीतूं, और आज इतने हफ्ते बीत जाने के बाद जब जो भी हाथ में आई है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, और ऑफकोर्स सब चाहते हैं जीतने। यहाँ पे हर एक कंटेस्टेंट जो आया था वो चाह रहा था कि वो जीते, और मैं भी उनमें से एक ही था। और बिल्कुल यू नो जो एंजाइटी होती है और नर्वसनेस होती है वो भर भर के कूट कूट के पड़ी थी मेरे अंदर। और हाँ, एंड ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। जी बहुत मॉम से ज़्यादा रिएक्शन एक्सचेंज करने का मौका नहीं मिला क्योंकि एकदम से यहाँ पर आ गए, बट आई एम श्योर बहुत खुश होंगी। तो हाँ, ये वाली ट्रॉफी जीतने वाली। हाँ, देखिए मैं जीता हूँ तो आई एम श्योर वोट्स मिले होंगे अब, और ये वोट्स लोगों ने किए होंगे तो, पर मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ है उनके साथ तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। जब मैं बाहर जाऊँगा तब शायद मुझे पता चलेगा कि क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, क्योंकि पूरे समय जब मैं अंदर था तो मेरा यही था कि क्या मैं ठीक लग रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या सही हो रहा है, क्योंकि इतनी बातें इतनी चीज़ें इतने एक्यूजेशंस और जो कुछ भी आप पे लगते रहते हैं तो आपको नहीं पता कि आपके रिएक्शंस ऑफकोर्स यू नो जैसे भी आए आप लोगों ने देखे हैं। नॉट रियली यू नो व्हाट टू बी वेरी ऑनेस्ट, defeating Asim and winning the victor and you know being victorious is was never my idea or you know something that I really wanted to you know do. I wanted to win clean and simple, and that's about it. कहाँ पे आपको लग रहा है कोई बदलाव आया है? यार अभी आप मेरे को कुछ बोलने लगे हो मैं अभी भी अग्रेसिव हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है, वो तो सब में होता है ना। अभी देखो ये कहाँ थी, वो इतना चिल्ला रही थी, वो थोड़ा अग्रेसिव होंगी, वो तो मौके होते हैं, होता है, चीज़ें होती हैं। पर आपके ऊपर कैसी क्या बीत रहा है, किस सिचुएशन से आप पास करें, आपका रिएक्शन वैसे होता है। हाँ, अगर स्क्रिप्टेड होता और सब कुछ रिएक्शंस देने होते जिस तरीके के लोगों को अच्छे लगने चाहिए या जैसे जाना चाहिए, अगर वैसा होता तो शायद अलग होता, बट वैसा नहीं होता और वैसा नहीं है शो में, तो फिर नेचुरल आते हैं। जब लोग अच्छे हैं आपके साथ तो आप अच्छे हैं, जब आपके साथ नहीं है चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं तो कुछ वक्त तक आप कंट्रोल करते हैं, जब आपके कंट्रोल के बाहर जाता है तो आप शायद चिल्लाते हैं। और बाहर आके 15 मिनट नहीं हुए, क्या चेंज देखूंगा मैं, एक चेंज ये दिख रहा है कि मेरे को बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, इतने दिखते नहीं थे मेरे को, तो हाँ अच्छा लग रहा है। शहनाज के साथ कैसा बॉन्ड रहेगा? बॉन्ड अच्छा रहेगा, ऑब्वियसली वी बी इन टच एंड थिंग्स लाइक दैट, बट हाँ यार मेरा प्रॉब्लम पता क्या होता है कि मैं सुबह वर्कआउट करने जाता हूँ, जब मैं बाहर था करके जब जाता था, एक आम जिंदगी में था तभी, तो मैं मोस्टली अपना फ़ोन बेसमेंट में रख देता हूँ बिकॉज वाइल वर्किंग आउट मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं डिस्टर्ब हूँ और फ़ोन कॉल्स लूँ, तो मैं और मैं काफ़ी देर वर्कआउट करता हूँ तो मैं तभी तक फ़ोन अनअवेलेबल रहता है, तो बहुत बार मैं रहता नहीं शूट्स पे रहता हूँ जब भी, तो ऑफकोर्स आपका उसमें मैं फ़ोन लेके नहीं घूमता रहता हूँ शूट पे, तो इसीलिए मैंने बोला था ये बात, तो आप लोग इसीलिए पूछते हैं, मेरे को पता है कहाँ से। It was how she was is how I was, in the sense that you know when you speak to me nicely, you know, Raj, to you, if you know I don't get that from you then of course you get something else from me, so you know she's the way she is, and you know I was good enough to, you know, I'd like to be the way she was, and I was doing things that came naturally to me. But did you like that side of yours? Did you know that you had this side? Okay, if I put it in this way, I don't know if it sounds right or not, but I'm great with kids, and you know, for me, Shehnaz is like a kid, and she's very kid-like, and of course, you know, to be very honest, if I happen to say that the kind of
moods that you all have seen me in, my best few moments in the house have been thanks to Shehnaz, and you know, the ups and downs you know, with Shehnaz has also been great, because you know, it's kept me off a lot of things, it's eased me out. A lot of conversation that happens inside the house is not something that I'm really used to, or I usually like to be a part of. So, you know, I had to be there. Now, with staying with her, it just eased me out, because I had somebody to speak to, and I could, you know, speak just about anything and nothing. So that was fun. And yeah, so I think my journey, for however, as in the way it's gone, I think it's been, I've been able to be in it. I say that was a lot to do because, you know, of my friendship with Shehnaz, because it just made me, you know, get myself off the game. Yeah, sorry. Salman sir ki suggestions aapko kitna help kara aapko? Bahut zyada Salman sir ki suggestions. In fact, kya hota tha ki bahut baar Salman sir aapko kuch bolte hain, और उसके ही कुछ दो तीन दिन बाद, क्योंकि आपके जहन में है कि आप वो चीज़ें जो उन्होंने बोली हैं उनके ऊपर आप वर्क करेंगे, और तो आप वो करने जाते हैं, लेकिन सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं कई बार अलग तरीके से रिएक्ट करने के लिए और आप करते हैं, तो बहुत बार अपने आप से डिसअपॉइंटमेंट होता था कि सलमान सर यू नो, आपको इतना टाइम आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं चीज़ें, और आप यू नो, शायद कभी एक दो तीन दिन आप चीज़ें ओवरलुक करते हो, पर चौथे दिन क्योंकि आपके पास और कुछ नहीं है, तो वो चीज़ आपसे निकल जाती है जो वो नहीं चाह रहे कि आए, और आप वही चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी लगता था कि आप उन सजेशंस पे वर्क नहीं कर रहे हो. आपको पता है कि आप वर्क कर रहे हो, पर ऐसा लगता है कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि फिर वही चीज आ जाती है. वन लास्ट क्वेश्चन गाइस, आपने बहुत बार ये चीज बोली थी कि आसिम से आप बाहर निकल के मिलोगे, बाहर जी 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 जी, आप आगे बाहर आ चुके, तो क्या बात, तो मैं मिला ना आसिम को, लेकिन आसिम ने मुझसे बात की और उसने सब क्लियर किया मेरे साथ, एंड यू नो, वी शुक हैंड्स एंड इट्स ऑल गुड नाउ. अच्छा, बस नेक्स्ट सिद्धार्थ, लास्ट गाइस, how I wish I knew, how I wish, I really need to know what's happening, to be very honest. I mean, I see this beauty in my hand and I feel great, but I really don't know what it is. Give message to your fans and close it. Give message to your fans and close it. Are you also want to आपको मैं कैसे बताऊँ, मैं अगर कोई कंपटीशन में जाता हूँ तो वेरी ऑनेस्टली आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट हु इज माय कॉम्पिटिटर, ओके, बिकॉज आई एम फोकस्ड ऑन विनिंग एंड आई वॉन्ट टू डू द बेस्ट आई कैन टू विन. इट रियली डजेंट मैटर हु द कॉम्पिटिटर्स आर, एंड यू नो, आई एम श्योर ऑल ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग, दे वर स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेट, बट आई वॉज एक्चुअली नेवर wanting to compete with them. I was just chasing, you know, that I'd set myself out to, and things just happened. So the other message to Siddharth, you know, the only thing that I can say is that when I got into the show, I wasn't really sure of how people's reaction towards me would be, because you know, it's been great, and they've been very kind to me while I've been shooting, and while I've been acting, because I've been portraying characters, and I always felt that the love and you know, the love and the kindness that they flow towards me is somewhere I used to feel that I really do not deserve it, simply because you know, I'm playing a character, and that's not me. And a lot of times, in a lot of interactions with them, I have told them and I put this in front of them that you know, I really don't understand where this comes from. It feels great, but I know that I don't deserve this, simply because you know, I'm not the character and you all love the character. While I got into the show, my only hitch was that are these people, you know, who've been supporting me, and you know, people who, you know, have a perception of me for the characters that I play, would they be able to accept who I am, because I am not exactly like the characters that I play. So yeah, I had that hitch in me, but well, as long as I wanted, it's all good, and I really hope that they like it. बस आप बताओ कौन सा, मेरे को तो पता ही नहीं क्या फेमस हुआ. अब मैं ये बोलूंगा तो आप लोग मेरे बारे में गलत लिखोगे.